डोल ग्यारस के पर्व पर बागली के ग्राम मोखा पिपलिया के काली सिंध नदी घाट पर शुक्रवार शाम को भगवान नरसिंह की पाषाण प्रतिमा तेराई गई। प्रतिमा 5 बार तेरी, जिसकी मान्यता है कि आने वाला साल काफी अच्छा गुजरने वाला है। पंडित संतोष दास ने बताया कि प्रतिवर्ष 5 बार प्रतिमा को तेराया जाता है। जितनी अधिक बार प्रतिमा तैरती है उतना अच्छा वर्ष जाता है। इस बार 5 बार प्रतिमा तेरी है, अच्छा वर्ष गुजरने का अनुमान जताया जा रहा है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है, उसी का निर्वाह करते हुए शुक्रवार के दिन डोल ग्यारस के पर्व पर ग्राम मातमोर और मोखा पिपलिया के ग्रामीण ढोल लेकर काली सिंध नदी घाट पहुंचे, जहां पर दोनों गांव की पाषाण प्रतिमा को 5 बार बहते पानी में तैराया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। साल हो गए करीबन, ये मोखा पिपलिया घाट पे 3 गांव की मूर्ति आती है। यहाँ पे हमारे 5 बार तिरने के बाद अनुभव साल भर का मालूम पड़ जाता है कैसा साल निकलेगा। इस बार कितने बार तिरी है? 5 बार तिरी। क्या अनुमान लगाया? अच्छा अनुमान लगाया, अच्छा साल निकला। हाँ, अच्छा साल निकला। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।